नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब स्टूडियो इंडिया आजकल से सुनील कुमार बोल रहा हूँ। एक बहुत ही जलता सुलगता मुद्दा है, हालांकि जंगल है उसको तो आग से दूर रहना चाहिए था, लेकिन छत्तीसगढ़ के जंगलों का एक ऐसा मुद्दा है जो आज सबसे अधिक जल सुलग रहा है। ये पूरा का पूरा सेंट्रल इंडिया जो कहलाता है, जिसमें विदर्भ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ऐसे बहुत सारा हिस्सा आता है, इसका एक सबसे सघन वन क्षेत्र है, हसदेव अरण्य कहते हैं जिसको, उसको काटा जा रहा है। वहाँ पर नीचे कोयला है, ज़मीन के नीचे, तो जाहिर है कारखानों को कोयला चाहिए, इसके लिए पेड़ों को जाना होगा। वहाँ आदिवासी अगर बसे रहते हैं, उनकी बस्तियों को भी जाना पड़ता है, तो वो सिलसिला छत्तीसगढ़ में चल रहा है। और हसदेव बचाओ आंदोलन, ये शब्द आपने बरसों से सुना होगा, ये लगातार चल रहा है। ये शब्द हसदेव बचाओ आंदोलन लगा हुआ है कि हसदेव के जंगलों को किस तरह से बचाया जा सकता है। उस आंदोलन के सबसे प्रमुख कर्ता धर्ता सामाजिक कार्यकर्ता आलोक शुक्ला, उनके कुछ इंटरव्यू आपने पहले भी हमारे साथ यहाँ पर देखे हुए हैं, एक से ज़्यादा मौक़ों पर हमने उनको इंटरव्यू किया है। कई महीने पहले की बात है, उस वक्त छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार थी, उस समय भी पेड़ों को काटने का काम शुरू किया गया था पुलिस की निगरानी में, संगीनों के साये में। आज भाजपा की सरकार यहाँ आई है, आज फिर वही काम हो रहा है। ये दोनों ही पार्टियाँ जब सत्ता में रहती हैं, जब विपक्ष में रहती हैं, एक दूसरे पर तोहमत लगाती हैं। आज के छत्तीसगढ़ के भाजपा के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहते हैं कि उनकी सरकार ठीक वही काम कर रही है, पेड़ों को काटने का ठीक वही काम कर रही है जिसका फैसला पिछली सरकार ने किया था, भूपेश बघेल सरकार ने। ये उस सरकार का फैसला है, उसकी दी हुई अनुमति है। भूपेश बघेल की सरकार उस समय भी इस बात को कहते आ रही थी कि हमने केंद्र सरकार से कहा है अनुमति रद्द करने के लिए, जो हसदेव के जंगलों को काटने की अनुमति राज्य सरकार ने दी थी उसको रद्द करने के लिए मोदी सरकार से कहा है, ऐसा उस वक्त कहती थी भूपेश सरकार। सच इनके बीच में कहीं छुपा हुआ है, उसको जानने की हम कोशिश करते हैं। ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि हसदेव में आज हालत क्या है, जहां पर संगीनों के साये में ऐसा सुना है कि 500 कटर, 500 ऑटोमेटिक बिजली से चलने वाले आरे लेकर पेड़ों को तेजी से गिराया जा रहा है, काटा जा रहा है। देखते हैं वहाँ की हालत क्या है। आलोक, आपका स्वागत है आपकी इस बातचीत में। कोई बहुत खुशी का मौका नहीं है कि मैं स्वागत की बात करूं, लेकिन एक जन मुद्दे पे अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो ये चर्चा ज़रूरी है, इसलिए मैं इस चर्चा में आपका स्वागत कर रहा हूं। आलोक, हसदेव में आज हालत क्या है जंगल में जहाँ से आ रहे हैं आप? जैसा आपने कहा कि निश्चित तौर पर 21 तारीख से हसदेव का एक जो कोल ब्लॉक है पलसा ईस्ट के, आप 21 दिसंबर 2023 बोल रहे हैं? दिसंबर 2023। जैसा 26 सितंबर 2022 को हुआ था, पिछले समय भी ऐसा ही हुआ था। 400 से 500 पुलिस फोर्स लगाई गई, यानी 15 महीने का फासला है बस। बिल्कुल बिल्कुल। और उस फोर्स लगा के और पलसा ईस्ट के तेवासन जो कोयला खदान है उसके दूसरे चरण के लिए लगभग 91 हेक्टेयर जंगल, संख्या के आधार पे ऑफिशियली संख्या है 15,000, लेकिन हम जानते हैं कि वो तो कम बताई जाती है। उससे डबल ही मान लें संख्या, पेड़ों को लगातार 3 दिन काटा गया। सिर्फ पेड़ों को काटने की जो प्रक्रिया है, लेकिन उसके साथ जो वहाँ के आदिवासियों के साथ जो व्यवहार 3 दिन हुआ है, प्रभावित गाँव के सरपंच, वहाँ के युवा साथी, आंदोलन को जो नेतृत्व देते हैं स्थानीय स्तर पे, वो साथी सुबह 4 बजे किसी के घर में, किसी के घर में 5 बजे फोर्स पहुँचती है और उनको कपड़े भी नहीं पहनने दिया जाता है, और वैसी स्थिति में उनको पुलिस लेके आती है, पूरा दिन अपने साथ रखती है, देर रात में उनको छोड़ा जाता है। तीन दिन तक एक तरीके से गांव को नजरबंद किया गया, लोगों को खेतों में भी काम करने की इजाजत नहीं थी, लोग जाने। एक बात बतलाओ आलोक, आप तो बहुत समय से सामाजिक आंदोलनों से जुड़े हुए हो, चाहे मजदूर आंदोलन हो, चाहे फैक्ट्री के मजदूरों का आंदोलन हो, चाहे जूनियर डॉक्टर की स्ट्राइक हो,
चाहे कोई और आंदोलन हो शहरों का भी, जब पुलिस किसी आंदोलन को तोड़ने के लिए उतरती है तो ये तो बड़े आम तरीके रहते हैं उसके, लोगों को घर से उठा लो, देर रात उठा लो, छोड़ो नहीं, जब पेड़ कट जाएं उसके बाद छोड़ो, या फैक्ट्री से ट्रकें निकलने से रोक रहे हैं मजदूर तो निकल जाए गाड़ियां उसके बाद छोड़ो, ये तो आम तौर तरीके ही इस्तेमाल हो रहे हैं लगता है जितना आप बतला रहे हो अभी तक। बिल्कुल स्वाभाविक तौर पे पिछले आपके भी जो अनुभव है हमारे भी अनुभव कि पुलिस ऐसे ही कार्य करती है। जो निर्देशित पुलिस को होता है वैसे ही करती है, और ऐसी परिस्थितियों में पुलिस कानून और नियमों से नहीं चलती बल्कि जो निर्देश दिए जाते हैं उस आधार पर चलती है। तो वही स्थिति है अभी, वो पेड़ कट गए हैं दुखद रूप से। और कितने पेड़ करीब कटे होंगे? हमारा मानना है कि 30,000 के आसपास पेड़ होने चाहिए वहाँ पे, जो अभी कटे हैं 91 हेक्टेयर के। ऐसा बिल्कुल जितना उनको साफ करना था 91 हेक्टेयर का इलाका वो अपनी जुबान में साफ कर चुके हैं उसको। बिल्कुल, और कलना तो उनको करीब 1100 हेक्टेयर का है। जो पूरी द्वितीय चरण की परियोजना है उस 1100 में लगभग 130-132 हेक्टेयर का जंगल ये दो बाल में ये लोग साफ कर चुके हैं। लेकिन बात यहीं रुकने वाली नहीं है, अभी इसके बाद जो पलसा कोल ब्लॉक है जो उससे लगा हुआ नया कोल ब्लॉक है उसको भी अभी आगे काटने की तैयारी है, कहीं ना कहीं चल रही है। ये 15 महीने पहले जब भूपेश बघेल की सरकार थी उस वक्त जब इसको काटा गया था उस वक्त भी आप लोगों ने विरोध किया था? बिल्कुल विरोध किया था, काफ़ी मुखलता से विरोध किया था। और जो पलसा कोल ब्लॉक में इन्होंने जो पेड़ की काटने की शुरुआत की गई थी, जो नया कोल ब्लॉक था उसमें ये ज़्यादा पेड़ नहीं काट पाए थे, 300 पेड़ ही काट पाए थे, लोगों ने जाके रुकवा दिया। और फिर इन्होंने पलसा को की जगह वापस पलसा ईस्ट केतेवासन को काटा था। और उसके बाद बहुत सारे डेवलपमेंट भी हुए हैं। एक व्यापक, उस समय जब पेड़ कटा तो पूरे छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश भर से जो हस्तियों को समर्थन मिला उससे कहीं ना कहीं सरकार मौखिक रूप से आगे बढ़ने से रुकी। लेकिन दस्तावेजों में उसने ऐसी कोई प्रक्रियाएं नहीं अपनाई जिससे कि हस्तियों को, उन दो कोल ब्लॉक को रोकने की। मुझको ये बतलाइए, नए मुख्यमंत्री जो हैं भाजपा के, इनका कहना है कि ये वही काम कर रहे हैं जिसका फैसला कांग्रेस सरकार के समय लिया गया था, क्या ये बात तकनीकी रूप से सही है? देखिए, जब पिछली सरकार थी तो भूपेश बघेल जी कहते थे कि ये तो केंद्र ने अनुमति दी है, हम तो केंद्र की अनुमति का पालन कर, लेकिन अनुमति तो दोनों की लगती थी ना, राज्य की और केंद्र की। बिल्कुल, तो होता ये है कि दो स्वीकृति लगती हैं। दर्शक भी उसको समझें कि कोई भी परियोजना के लिए एक वन स्वीकृति होती है जिसमें जंगल काटने की अनुमति, वो स्वीकृति पहले केंद्र सरकार देती है और उसके बाद राज्य सरकार अंतिम आदेश जारी करती है। जब तक राज्य सरकार का अंतिम आदेश नहीं होता पेड़ नहीं कटता। उसी तरीके से केंद्र सरकार अनुमति देती रहे लेकिन चाहे तीन किलो अनुमति दे दे, राज्य सरकार का अंतिम आदेश जिसको बोलते हैं उसका फाइनल अप्रूवल ही लिखा जाता है। उसकी कॉपी भी मेरे पास है। अब देखेंगे कि आपको याद होगा पिछले बार जब हम लोग 2021 में 300 किलोमीटर पैदल चले थे, 2 अक्टूबर से 14 अक्टूबर पैदल चलने के बाद जब हम लोग मिले राज्यपाल से और मुख्यमंत्री से, तो 23 अक्टूबर 2021 को राज्यपाल ने चिट्ठी लिखी थी कि जो फलजी ग्राम सभाएं हुई हैं उसकी जांच की जाए। उसके बाद 24 अक्टूबर को ही पलसा कोल ब्लॉक की वन स्वीकृति केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा दी गई, लेकिन आंदोलन के दबाव में छत्तीसगढ़ सरकार ने अंतिम अनुमति नहीं दी थी दोनों परियोजनाओं को, इसलिए पेड़ कटाई नहीं हो रही थी। आप 21 तक की बात कर रहे हैं, ये 21 से हम मार्च 2022 की बात कर रहे हैं। ठीक, आपको याद होगा ये अनुमति नहीं दी। अशोक गहलोत छत्तीसगढ़ आए थे और उन्होंने काफी दबाव डाला। उस दबाव के बाद हमें याद है कि 25 मार्च 2022 को अशोक गहलोत आए थे और जिस दिन वो आए थे उसी दिन पलसा ईस्ट केतेवासन के दूसरे चरण की और 7 अप्रैल 2022 को पलसा कोल ब्लॉक की वन अनुमति राज्य सरकार ने जारी की थी और उसी के बाद पेड़ कटाई शुरू हुई थी। तो ये बात सही है कि ये दोनों अनुमति राज्य ने जब दी थी उसके बाद ही ये पेड़ कटाई की प्रक्रिया शुरू हुई। दिल्ली थोड़ी पेड़ काट सकता है, दिल्ली थोड़ी कुल्हाड़ा चला सकता था यहाँ आकर। देखिए, जो वन स्वीकृति शुरू करने से लेके और अंतिम आदेश देना पेड़ कटवाने तक की सारी प्रक्रिया राज्य सरकार को करना है। जब तक राज्य सरकार नहीं करेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा।
और मैं वन स्वीकृति की बात भी नहीं कह रहा हूँ, मैं तो पर्यावरणीय स्वीकृति की भी बात, कि पर्यावरणीय स्वीकृति केंद्र से मिलने के बाद छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल कंसेंट टू ऑपरेट का एक सर्टिफिकेट देता है। जब तक कंसेंट टू ऑपरेट का सर्टिफिकेट नहीं होगा कोई परियोजना चालू नहीं हो सकती। नहीं हो सकता, एक दिन का नहीं उखाड़ तो सकता। हम इसी चीज को पिछली सरकार में इसी बात को कह रहे थे कि देखिए केंद्र ने क्या अनुमति दी है वो छोड़ दीजिए, आपका यदि हसदेव को बचाने को लेके संकल्प है जो उन्होंने किया भी कि दबाव आंदोलन के दबाव में ही सही 2000 स्क्वायर किलोमीटर लेमलू बनाया। आज कम से कम लेमलू के अंदर की परियोजनाएं रुकी हुई हैं। लेमलू जो है ये एलिफेंट कॉरिडोर है, एलिफेंट रिजर्व है, तो वो उन्होंने किया, लेकिन जो राजस्थान को आवंटित कोल ब्लॉक थे उनको जानबूझ के बाहर रखा उसके चलाएं। और बाद में ही सही जिस बात को हम शुरू से ये कह रहे थे कि नई कोई खदाने नहीं होनी चाहिए, चलिए इतना ही राजस्थान को जरूरत है, जब तक नए विकल्प नहीं खोजते तब तक पलसाईस्ट केतुवासन को आप चला लीजिए। आपको याद है कि 1 मई 2023 को छत्तीसगढ़ सरकार ने एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया। उस पे चर्चा भी हुई थी, उसमें उन्होंने कहा कि कोई और जरूरत नहीं है किसी और नए कोयला खदान की। लेकिन जब 1 मई 2023 को उन्होंने जब वो सर्टिफिकेट दिया और उन्होंने उस सर्टिफिकेट में भाषा थी कि हसदेव अरण्य में खनन राज्य के हित में नहीं है। और नई कोई भी कोल ब्लॉक जो है नहीं होना चाहिए, और उसमें WII की रिपोर्ट, भारतीय वन्य जीव संस्थान की रिपोर्ट का जिक्र भी किया था कि कैसे ये खनन से इम्पैक्ट होंगे। हम मई से लेके चुनाव दिसंबर में हुआ, चुनाव के 10 दिन पहले तक अलग अलग माध्यमों से ये बात पहुँच कहते रहे, मीडिया से बात उठाते रहे कि जब राज्य सरकार ने ये स्वीकार कर लिया है कि नई खनन नहीं होना चाहिए तो जो पलसा कोल ब्लॉक को जो 6 अप्रैल को ये अनुमति आपने जारी की थी इसको रद्द क्यों नहीं करते। यदि ये कदम उठा लिया गया होता तो आज एक फायदा होता कि आज बीजेपी की सरकार को नए सिरे से फैसला लेना पड़ता, उनको वापस ग्राम सभाओं को करना पड़ता क्योंकि फर्जी ग्राम सभा का मामला था, और ग्राम सभाओं की स्वीकृति लेके वापस वन स्वीकृति जारी करना पड़ता, जो मुझे लग रहा था कि आसान नहीं होता। वो बैक टू स्क्वायर वन चले गए रहते। आज जिस तरह से भाजपा सरकार के पास ये बोलने को एक बुनियाद है कि ये फैसला जो है कांग्रेस सरकार के समय का लिया गया है, लेकिन दुखद नहीं, इसमें एक तकनीकी चीज मैं और साफ समझना चाहता हूँ आलोक, वो ये है कि राज्य सरकार ने केंद्र को तो लिख के भेजा, भूपेश सरकार ने मोदी सरकार को लिख के भेजा कि आप ये जो अनुमति दी है इसको हमारे यहाँ जन विरोध हो रहा है। कल परसों देख रहा था उस कागज को मैं, जन विरोध हो रहा है, और इसे देखते हुए इसे आपकी दी गई अनुमति को रद्द करने के बारे में निर्णय लेना उचित होगा, इस तरह का कुछ लिखा। उस समय भी मैंने इस बात को उठाया था, मैंने ये कहा था कि आपको केंद्र को ये पत्र लिखने के बजाय आप चूंकि वन जो है वो संबलती सूची में है, आपके पास भी आपके पास अधिकार है। राज्य सरकार को ये करना चाहिए था कि जो पलसा कोल ब्लॉक को अंतिम जो आदेश दिया है उसको निरस्त करना था, और केंद्र को आपको चिट्ठी लिखनी थी कि हम इसको निरस्त कर दिया है, आप अपने उचित कार्रवाई के लिए भेजा जा रहा है, वो देखती है उसको क्या प्रक्रिया ये होनी थी। लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके से जनता को गुमराह किया गया, लेकिन ठीक है, हम इसीलिए क्योंकि आपने जो किया है इसलिए आज आप विपक्ष में बैठे हुए हैं। सवाल अभी का है कि हमें याद है कि जब कांग्रेस जब ये कर रही थी पेड़ कटाई हो रही थी। आलोक, मैं इस बात को थोड़ा सा और समझना चाह रहा हूँ कि भूपेश बघेल सरकार ने खुद अपनी दी हुई अनुमति को रद्द नहीं किया। बिल्कुल, ये हमने पिछले इंटरव्यू में भी रिकॉर्ड किया था कुछ महीने पहले, उस वक्त भूपेश बघेल की सरकार थी। आज सरकार बदलने से हम इसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, उस वक्त भी हमारा यही सवाल था, उस वक्त भी आपने जवाब दिया था इसका। बिल्कुल, कि भूपेश बघेल की सरकार ने ये अनुमति खुद तो रद्द नहीं की। बिल्कुल, केंद्र सरकार को लिखा कि आप अनुमति रद्द करो। ये सवाल बार बार उठा, कई अखबार नवीसों ने अपनी रिपोर्ट में भी उठाया, आप लोगों ने भी मांग की, और जैसा आप बतला रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले तक ये मांग करते रहे आप लोग कि आप अपनी अनुमति, खुद की अनुमति रद्द करो। अगर ये अनुमति अपनी रद्द कर देते तो आज इस सरकार को पेड़ काटने के लिए ये तश्तरी में रखा हुआ थोड़ी उपलब्ध रहता, ये आदेश, ये फैसला। बिल्कुल, इनको नए सिरे से सब करना पड़ता। बिल्कुल, ये रातों रात इस तरह से नहीं हो सकता था। बिल्कुल,
दूसरा यह है कि कांग्रेस आज किस मुंह से विरोध कर सकती है? इसने उस समय भी विरोध किया था मोदी सरकार के पास कि आप अनुमति, और वो आदेश आपने देखा है, आपको तो रटा हुआ होगा, वो जिस गोलमोल भाषा पे एक मझले दर्जे के अफसर ने लिख के भेजा था भारत सरकार को, वो आदेश कुछ ऐसा था कि यहाँ पे जनता के बीच आक्रोश है, जनता का काफी आक्रोश है, और जनभाव के मद्देनजर पलसा कोल ब्लॉक की जो है अनुमति दी गई, बंसीकृति को निरस्त किया जाए ना, ये शब्दावली निरस्त करने पर निरस्त करने की कार्रवाई की जाए, ऐसा कुछ है, वो गोलमाल है भाई। तो वो बहुत ही दिख रहा था। देखिए, मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूँ कि राजस्थान को आवंटित चालों कोल ब्लॉक, यहाँ तक कि मुझे उसको बताने में कोई परहेज नहीं, हालांकि अब ये समय चला गया, हाँ। सत्ता बदल गई, लेकिन सच्चाई ये है कि जब लेमलू हाथी रिजर्व का नक्शा बना था, हाँ। तो शुरुआती नक्शे में लगभग हसदेव के जो महत्वपूर्ण कोल ब्लॉक हैं वो सब के सब बाहर थे, हाँ। और जो 2000 स्क्वायर किलोमीटर लेमलू हाथी रिजर्व बना है, हाँ। वो सिर्फ और सिर्फ जब हम पदयात्रा चल के आ रहे थे पैदल, और राहुल जी के हस्तक्षेप के कारण नक्शा बदला, जिसमें कोलबा जिले के कोल ब्लॉक को, 16 कोल ब्लॉक को उसके अंदर लिया गया, लेकिन पूरी कोशिश की गई कि जो राजस्थान को और अडानी के पास कोल ब्लॉक है उसको बाहर रखा जाए, जबकि लगभग एक सहमति बन रही थी कि जो पलसा ईस्ट केतेवासन है उसको छोड़ के बाकी कोल ब्लॉक को लेमलू के अंदर ले लिया जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। चलिए, हम ये कह रहे हैं कि वो नहीं हुआ, हम उसकी भी बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे थे कि जब मैं एक पत्र आपको दिखाऊं कि कितना दुखद है हम लोगों के लिए, हम जब 300 किलोमीटर पैदल चल के आए थे, राज्यपाल ने 23 तारीख को अमिताभ जैन जी को, चीफ सेक्रेटरी को, एक पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने यही कहा था, जिस बात को पिछले 7 सालों से लोग चिल्ला रहे हसदेव के, साली, हरियलपुर, फतेहपुर के गांव, कि उनके गांव ने कभी भी विधिवत ग्राम सभा नहीं, सहमति नहीं दी है, फर्जी ग्राम सभा करवा के प्रस्ताव पास किया है। ये 23 अक्टूबर 2021 का लिखा पत्र है, आज तक इसकी जांच नहीं करवाई। यदि इसकी जांच भी करवा दी गई होती, अक्टूबर 21 का राज्यपाल ने मुख्य सचिव अमिताभ जैन को, मैं लिखा। तो उसके और पहले कह देता हूं कि जब सरकार बदली थी, रमन सरकार के समय ये फर्जी प्रस्ताव बनवाए गए थे, हाँ। सरकार बदली थी, 17 दिसंबर को शपथ हुई थी, और 23 दिसंबर को गांव के लोगों ने आके कहा, निवेदन किया था कि हमारे फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव की जाँच करवा दीजिए, नहीं हुई। उसके बाद भी 5 साल निकल गया, 5 साल निकल, नहीं हुआ। और आज लोगों के अंदर निराशा इसी बात की है कि एक, हम लोग इतने संघर्ष कर रहे हैं और हमारी ग्राम सभा की एक निष्पक्ष जांच भी आप नहीं करवा सके। कांग्रेस सरकार ने, उससे पहले से आप ये मांग कर रहे हो, जब रमन सरकार थी तब से 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, जांच नहीं हो पाई फर्जी ग्राम सभा की। मुझको क्यों ऐसा ध्यान पड़ रहा है कि बस्तर में टाटा की जमीनों के लिए भी ऐसे ही फर्जी ग्राम सभा करवाई गई थी। जब बड़े उद्योगों की बारी आती है तो ग्राम सभाएं ऐसी फर्जी होने लगती हैं। छत्तीसगढ़ में तो देखिए, पिछले मतलब जो 2018 से और 2003 का वक्त था, चाहे वो लोहंडीगुड़ा का हो, एसएल का मामला हो, टाटा का मामला हो, नंदलाज पहाड़ का मामला, हाँ। हो, रावघाट का मामला हो, रायगढ़ में जिंदल के लिए हो, हसदेव में है, एक ट्रेंड ही चल रहा था फर्जी ग्राम सभा का। लेकिन इसी छत्तीसगढ़ सरकार ने, आप देखिए कि कई बार दोहरा मापदंड कैसे होता है, कि जब नंदलाज पहाड़ का आंदोलन हुआ, उसी नंदलाज पहाड़ में फर्जी ग्राम सभा की जांच कलेक्टर ने की, जांच रिपोर्ट आई, वन स्वीकृति को निरस्त करने की कार्रवाई भी की गई, लेकिन वो नहीं हो रही थी निरस्त। बाद में जब काफी दबाव हुआ, शायद बाद में राज्य सरकार को पता चला कि ये खदान तो आप ही की, क्योंकि उस समय भी ये कहा जाता था कि हमने एनएमडीसी को पत्र, हाँ। लिखा, तो एक दिन हमने सोशल मीडिया पे लिखा भी कि इसमें तो आप भी शामिल हैं, एनसीएल है, हाँ। ये तो संयुक्त उपक्रम है सीएमडीसी और एनएमडीसी का, तो शायद बाद में अधिकारियों ने जो भी बताया हो, हाँ। तो फिर उन्होंने कहा कि हमने इसको निरस्त कर दिया। यही मांग हम हसदेव में करते रहे कि आप ग्राम सभाओं की जाँच कर लें और जो बन सकती है। आलोक, एक चीज बतलाओ मुझको, भूपेश बघेल सरकार जब अस्तित्व में आई, उसके पहले जब विपक्ष में थी, उस वक्त राहुल गांधी उस इलाके में आए थे और उन्होंने पब्लिक मीटिंग में मंच और माइक से तरह तरह की बातें कही थी। उस मंच पे शायद जोगी भी एक किसी आम सभा में मौजूद थे, मदनपुर में ही थे, आप भी थे शायद वहां पर, सिंहदेव भी थे, भूपेश भी थे, सभी नेता थे वहाँ, सभी छत्तीसगढ़ के सभी प्रमुख नेता, सभी नेता थे। आप कांग्रेस में नहीं थे लेकिन आप भी थे वहाँ। मैं मंच का संचालन कर रहा, अभी भी नहीं है कांग्रेस में आप।
ये क्यों हुआ कि राहुल गांधी जितना बड़ा नेता जो कांग्रेस का अध्यक्ष शायद उस समय रहा हो, मुझको याद नहीं है ठीक से तारीखें, लेकिन वो बोल के गया कि यहाँ नहीं होने देंगे, हम इसका विरोध करेंगे। उसके बाद उनकी सरकार डटी रही, उसने 43 हेक्टेयर या कितने का जंगल कटवाया भूपेश? 43 का जी। अचानक मुझको याद रह गया, संख्याओं के मामले में मैं बुरा हूँ। तो उसने उतना कटवाया, अब उससे दुगना उन्हीं की चिट्ठी, उन्हीं के फैसले के आधार पे डबल कट गया, इन्होंने कटवा दिया उतना, दुगना कटवा दिया उससे। लेकिन आज जो जंगल कटा है, ये फैसला भूपेश बघेल के समय का है, आदेश उन्हीं के समय का है इसको कटवाने का। वो आदेश थोड़ी कैंसिल हुआ था? नहीं होता आदेश कैंसिल, आदेश कैंसिल होता तो ये कटाई नहीं हो पाती, इनको हाँ। पुनः वन स्वीकृति की प्रक्रिया जो है ऑर्डर जारी करना पड़ता, तो वो एक लंबी प्रक्रिया थी जिसके सार्वजनिक नोटिस छपते, मुनादी होती। सबसे आदर्श स्थिति ये थी कि जब हम लोग कह रहे थे तो आप ग्राम सभा की जांच करवा देते, जिसमें निश्चित तौर पे वो तो फर्जी ग्राम सभा थी ही, और उसके आधार पे जो नंदराज में हुआ था वही हसदेव में होना था कि फर्जी ग्राम सभा घोषित होती, एफसी कैंसिल होती। तो आज स्थिति हसदेव में ये होती कि वापस गांव के पास कर जाना पड़ता नई हाँ। पुनः ग्राम सभा हाँ। का आयोजन आयोजन के लिए हाँ। तो जो निर्णय प्रक्रिया है वो सरकार से वापस गांव में पहुंच जाती। और ये काम किया जा सकता और, जो नहीं किया और पेड़ों की कटाई और कुछ नहीं होता तो कम से कम बरसों लेट हो जाती। बिल्कुल ये है कहीं ना कहीं। देखिए 2015 में ये कोल ब्लॉक आवंटित हुआ था, 23 हो गया लोगों के सतत। मैं अभी बहुत से लोगों के दिमाग में ये नक्शा साफ नहीं होगा कि हम कितने इलाके की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ एक चीज़ समझना चाहता हूँ कि राजस्थान सरकार को जो कोल ब्लॉक अलाट किया गया उसका टोटल साइज क्या है, कितना हेक्टेयर है? जो पलसा ईस्ट केतेवासन कोल ब्लॉक है वो कुल कोल ब्लॉक का एरिया है 2700 हेक्टेयर। 2700 हेक्टेयर जिसमें हाँ। से जो माइनिंग एरिया है हाँ। वो है 2300 हेक्टेयर के आसपास। 2300 हेक्टेयर जो है वो कोयला निकलना है वहां से। वो दो कोल ब्लॉक है पलसा ईस्ट केतेवासन, कुल मिलाकर नहीं, इसके अलावा है जो उसके हाँ। बगल में पलसा कोल ब्लॉक है हाँ। पलसा कोल ब्लॉक का इलाका है 1258 हेक्टेयर हाँ। और उसके बगल में केते एक्सटेंशन है, उसका इलाका है 1700 कुछ हेक्टेयर, और मुझे लग रहा है कि वो तो 98% फॉरेस्ट एरिया है। तो ये जितना आप बात कर रहे हो ये 5000 हेक्टेयर पार कर रहा है ये तीनों मिलकर, ऐसा ही है? बिल्कुल। तो राजस्थान को जो अलाटेड है इसमें 5000 हेक्टेयर इतना प्रभावित होना है कुल मिलाकर। बिल्कुल जब भी कटेगा ये, अगर कटेगा 5-5.5 हजार हेक्टेयर 5-5.5 हजार हेक्टेयर। अब अभी जो हुआ है ये कुल हुआ है अभी जो 125-150 हेक्टेयर के बीच का हुआ है, 130 हेक्टेयर के आसपास हुआ है, और इसके पहले जो प्रथम चरण की माइनिंग थी उसमें लगभग 760 हेक्टेयर के आसपास की माइनिंग हो चुकी है। तो हम ये मान के चलें कि करीब 4000 के भीतर है अभी ये। बिल्कुल 4000 अभी और बाकी है जिसकी प्रक्रिया भी नहीं हुई है, जिसमें पलसा की तो प्रक्रिया हो चुकी है, उसकी तो अब दस्तावेजों में देखें तो फलजी ही सही, लेकिन स्वीकृति तो उनके पास है ऐसा, और केते एक्सटेंशन की प्रक्रिया रुकी हुई है। अब मैं इसके एक पहलू पे जाना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान में कोयले की उनको ज़रूरत थी ऐसा वो दावा करते थे, ठीक है, बिजली बनाने के लिए कोई भी सरकार करेगी। उस वक्त ये माना जाता था कि दोनों जगहों पे एक ही पार्टी की सरकार है, इसलिए भूपेश बघेल ने दबाव में 43 हेक्टेयर काटने का दे दिया और कागज़ दे दिए और इजाज़त दे दी, ऐसा माना जाता था। एक चर्चा और उस समय रहती थी, चूंकि भारत सरकार से भी कई इजाज़त मिलनी थी, चर्चा ये रहती थी कि राजस्थान गवर्नमेंट ने अपने पावर प्लांट के कोयले के लिए जो उनको खदान मिली है, इस खदान को ऑपरेट करने का, खोदने का, कोयला निकालने का, पहुंचाने का, इसका ठेका अदानी को दिया है, देश की एक सबसे बड़ी कंपनी जिसके साथ में भारत सरकार के बड़े बड़े लोगों के नाम जुड़ते हैं, ऐसा माना जाता है कि ये कंपनी की बहुत बड़ी ताकत है। इस कंपनी के राजस्थान में भी कुछ कारोबार हैं, वहाँ पे राजस्थान की सरकार का कहा जाता है कि अच्छे संबंध रहे गहलोत सरकार के। अब भाजपा सरकार है सभी जगह,
छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, सब जगह भाजपा की सरकारें हैं, आपको लगता है कि इसमें अभी तक अदानी का कोई खेल शुरू हुआ है इसमें, कि ये केवल कांग्रेस की दोनों सरकारों की जो खतों किताबत थी उसी में अभी तक चल रहा था, अभी तक जरूरत नहीं पड़ी? इसमें मुझे लग रहा है कि एक बात और महत्वपूर्ण है कि अडानी जो केंद्र की सरकार है और केंद्र के जो मंत्रालय हैं वो पूरे तरीके से अडानी के निर्णय के अडानी के अनुसार काम करते हैं। मुझे याद है जब ये प्रक्रिया, जब भूपेश जी अंतिम अनुमति नहीं दे रहे थे 2022 मार्च में जो दी गई है, उस दरमियान जब आप कोयला मंत्रालय और MOF के यदि पत्र देखेंगे तो जिस तरीके से लगातार दबाव उनके तरफ से भी आ रहा था छत्तीसगढ़ सरकार के ऊपर कि स्वीकृति दी जाए, तो जो मुझे आप सारे दस्तावेज को देखेंगे तो आप देखेंगे कि अडानी के लिए तमाम मंत्रालय, बिल्कुल, कि कैसी भी करके करना है तो अडानी के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट जिसको कहना चाहिए, हाँ, वो डाला जाता है। और मुझे तो अभी जिस तरीके से BJP सरकार में पेड़ कटाई हुई है, शायद ऐसे लग रहा था कि नियंत्रण का कंट्रोल रूम ही अडानी के ऑफिस से चल रहा था, अधिकारी वहीं से निर्देशित हो रहे थे पूरे तरीके से, वैसा ही नजर। लेकिन ऐसा आपको लग रहा है? नहीं, निश्चित तौर पर है, क्योंकि वो जो प्रक्रियाएं हैं, जो कार्रवाई जिस तेजी के साथ चीजें हुई हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव का रवैया था, वो कंट्रोल कहीं ना कहीं अडानी बड़े तरीके से कर रहा है। और इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि BJP पर जिस तरीके का अडानी का नियंत्रण है, तो वो आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में बहुत स्पष्ट रूप से दिख गया है और आने वाले दिनों में और दिखेगा। कांग्रेस थी तो कम से कम फिर भी एक संवाद की स्थिति थी, एक बड़े दबाव के बाद थोड़ा सा बैकफुट पे आ जाती थी। वो अलग मुद्दा है कि वो दिल से साथ नहीं होने के कारण आपने निरस्त नहीं किया, यदि आप दिल से चाहते तो निरस्त कर देते, हमें याद है चुनाव के पहले इसी MDO घोटाले को लेकर भूपेश जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, ये हजारों करोड़ का घोटाला है। और जब सरकार बनी तो आप ये कहने लगे कि देश हित के लिए कोयले की जरूरत है, तो हंसते हो, तो वो MDO भी आप भूल गए, हसदेव भी भूल गए, अपने खुद के लगाए हुए आरोप भी भूल गए, बिल्कुल, तो और अपने खुद के जंगल बचाने के किए हुए वायदे भी भूल गए, बिल्कुल। हम तो ये समझ रहे थे कि 2018 में जब कांग्रेस आई तो हम इस उम्मीद में थे और हसदेव के लोग भी इसी उम्मीद में थे कि शायद अब हसदेव बचेगा, संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जिस पहले दिन से सरकार का जो रवैया था, नए पतुलिया गिदमुड़ी का MDO अडानी को दे देना, प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाना, उससे तभी हम लोग को 300 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, नहीं तो क्यों हम 300 किलोमीटर पैदल चलते। लेकिन मुझको क्यों याद पड़ रहा है कि 300 किलोमीटर चल के जब आप लोग मिलने यहाँ आए थे तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आसानी से तैयार नहीं हो गए थे आप लोगों से मिलने के लिए? मिले भी तो बहुत तल्खी के साथ मिले। ऐसा क्या थी वजह तल्खी की? पता नहीं, उनको उन्हीं की पार्टी के सबसे बड़े नेता ने तो वायदा किया था ना वहाँ हसदेव जाकर। हाँ, लेकिन उस शायद पता नहीं अब जो भी कारण रहे, लेकिन उनको लग रहा था कि शायद हम अनावश्यक आंदोलन कर रहे हैं, खुद जाने दो हसदेव। सत्ता में आने के बाद आंदोलन अनावश्यक लगने लगा। हर सत्ता को यही लगता है, जब वो विपक्ष में रहता है तब उसको लगता है। यानी रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार थी, उस समय आपका आंदोलन भूपेश बघेल जी को ठीक लग रहा था? हाँ, सत्ता में आने के बाद नहीं लग रहा था। ऐसा मैं अब आज हालत समझना चाहता हूँ आलोक, कि आज जो कटाई होनी है वो रुक गई है क्या? अब होकर अभी रुकी हुई है। हाँ। अभी जो स्थिति ये है कि ये लोग पलसा जो नया कोल ब्लॉक है उसकी तरफ मूव करने की तैयारी है, कि उसको, क्योंकि एक साल के लिए तो इन्होंने काट लिया। हाँ। अगले एक साल का कोयला है। हाँ। ये पलसा नया कोल ब्लॉक चालू करने वाले हैं, जो सबसे बड़ा एक अभी संकट है। और मुझे लग रहा है कि दो तीन चीजें जरूर मैं रखना चाहूंगा। हाँ। कि देखिए, दो ठीक है, कांग्रेस ने अनुमति रद्द नहीं की, लेकिन मुझे लग रहा है कि दो तीन जो प्रक्रियाएं हुई हैं वो आज के डेट में बहुत महत्वपूर्ण है, जो एक नए रास्ते दिखा सकती हैं। निश्चित तौर पे वो एफिडेविट, वो तो राज्य शासन का जो सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार ने दिया था। दूसरा महत्वपूर्ण था कि विधानसभा का संकल्प, हालांकि वो संकल्प तो धर्मजीत सिंह का लाया हुआ था, प्रशासकीय संकल्प, लेकिन वो आज भाजपा के विधायक हैं। हाँ, वो आज भाजपा के विधायक हैं, और उसमें चर्चा में रजनीश सिंह ने भी भाग लिया था और भूपेश जी ने जवाब दिया था। तो मुझे लग रहा है कि चलिए, हम बार बार इस चीज को कह रहे हैं कि
सच में यदि हम हसदेव बचाना चाह रहे हैं, क्योंकि उस समय जो वर्तमान सत्ता है में पार्टी है उन्होंने उस समय विरोध भी किया था, कुछ लोग हसदेव पहुंचे भी थे, टीएस सिंहदेव का तो घेराव किया गया था बाकायदा। तो हम ये कह रहे हैं, बाल बाल मुझे इस चीज़ को समझ में नहीं आता कि ठीक है वो पॉलिटिकल आपकी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन यदि कोई एक सत्ता ने यदि कोई गलत कदम उठाया है उसको ठीक करने का अवसर तो आपके पास है। आज जब हम लोग आंदोलन में थे तो कुछ लोग इस बात को कह रहे थे कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने स्वीकृति दी थी इसलिए हम पेड़ काट रहे हैं, तो फिर लोगों ने कहा कि कांग्रेस ने हाफ बिल बिजली बहुत सारा किया था, बहुत सारा उसको किया भी था। आप लागू करिए, तो ये बंदिश तो है नहीं इस सरकार, तो जहाँ पे कॉर्पोरेट को मुनाफा देना है वहाँ आप पिछले सरकार को फॉलो करते हैं, जहाँ पे जनता के मुनाफे की बात है वहाँ आप बोलते हो कि नहीं अभी योजना, ये उनका फैसला, ये उनका घोषणा थी। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं की विपक्ष और सत्ता के बीच का जो फर्क है वो बहुत बड़ा है, और दल कोई भी हो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, मैं कह रहा हूँ बीजेपी ज्यादा, और एक बदलाव बहुत स्पष्ट दिखता है, और जहाँ अडानी जैसे कॉर्पोरेट का मामला है वहाँ तो साफ तौर पे सत्ता कहीं ना कहीं अडानी को बचाने की कोशिश करती है, चाहे वो राजस्थान की गहलोत सरकार रहे चाहे छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार। हम यदि अडानी को बचाने की कोशिशें नहीं होती तो 5 साल सतत हमें लड़ना नहीं पड़ा। बिल्कुल, हम 5 साल से लगातार लड़ ही रहे हैं, 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इन 5 सालों में ज़्यादा तेज हुआ। और हम ये भी मानते हैं कि 5 सालों में यदि हम नहीं लड़े होते तो शायद अभी तक दोनों कोल ब्लॉक और बड़ा जंगल कट गया, पूरे जंगल कट गए रहते वहाँ दोनों कोल ब्लॉक के। आलोक एक बात बतलाओ, ये टीएस सिंहदेव जी का नाम आपने लिया अभी, मैं कांग्रेस की गुटबाजी के संदर्भ में उनका नाम सुनता हूँ कि अडानी से उनका बड़ा घरोबा था टीएस सिंहदेव का। आप आंदोलन से जुड़े हैं, अडानी के बिजनेस इंटरेस्ट इसमें जुड़े हुए हैं, टीएस सिंहदेव भी इस आंदोलन के सिलसिले में आपसे टकराए हैं, आपने भी कहीं ऐसी चर्चा सुनी है क्या कि अडानी के साथ में टीएस सिंहदेव का घरोबा है? नहीं, देखिए उनके रिश्ते हैं ये तो उन्होंने सार्वजनिक कहा है, लेकिन पिछले चुनाव के समय जो एक बात शुरू हुई थी कि उनके व्यावसायिक रिश्ते हैं जिसपे शायद मुख्यमंत्री के रूप में दौड़ से भी वो पीछे हटे, उसमें वो मेरे तब भी उंगली कहीं ना कहीं उठाते रहे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं नजर आए कि कोई व्यावसायिक रिश्ते हैं। लेकिन चूंकि उनका ये जो कहना है वो एक बात को बोलते हैं कि जब यूपीए की सरकार थी तो यूपीए ने सहमति दी थी इसीलिए मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन ये भी बात सही है कि एक समय टीएस सिंह जो कहते कि जो यूपीए ने जिन प्रोजेक्ट को सहमति दी है उसका विरोध, लेकिन पिछले दिनों से लगातार जो आंदोलन चला और पिछले धरने में जब वो खुद शामिल हुए और उन्होंने कहा कि डगाल नहीं कटनी चाहिए, उन्होंने एक बात को बहुत अच्छे से स्पष्ट कहा और मुझे लगता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो उस लाइन पे रहे कि जो चालू खदान है वो है, नया कोई भी कोल ब्लॉक हसदेव में नहीं खुलना चाहिए। लेकिन 5 साल सरकार में रहते उन्होंने तो अनुमति रद्द करने के लिए कुछ नहीं किया, वो तो उन्होंने एक बिल्कुल दिक्कत ये कि कैबिनेट में कितनी चर्चा होती थी पता नहीं, लेकिन शायद मिली एक जानकारी में ऐसा है कि उन्होंने शायद पत्र लिखा या सीएम से बात की, लेकिन निश्चित तौर पे ऑल दबाव बनाया जा सकता था इसे निरस्त करने के लिए। अपनी खुद की कुर्सी अगर नहीं बचानी रहती टीएस सिंहदेव को तो उस कैबिनेट में भी असहमति कर सकते थे वो। बिल्कुल, कई जगह कई मुद्दों पे असहमति हुई भी है, हुई भी है, आपको ध्यान है पंचायत वाला पैसा एक्ट का जो गया था, बिल्कुल उसमें वो लेके कुछ गए थे वहां से पास कुछ हुआ है। बिल्कुल, मैं उनकी एक टिप्पणी है, एक टीवी चैनल को छत्तीसगढ़ी इंटरव्यू में उन्होंने एक लाइन कही, बड़ी दिलचस्प लाइन है वो। उस टीवी चैनल ने उनसे पूछा कि पेशा कानून के तहत जो आप लेके गए थे कैबिनेट में जी, रूल्स बनाने के लिए, उसमें अनुमति शब्द था कि आदिवासी क्षेत्रों की ग्राम सभा की अनुमति अनिवार्य होगी, वहाँ जाके वो परामर्श में बदल गई, ये उनसे पूछा गया सवाल, तो उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा हुआ है। बिल्कुल, तो उसने सब जो इंटरव्यू कर रही थी रिपोर्टर उसने पूछा, और ये आपके ऊपर आरोप है कि आपने कोई विरोध नहीं किया कैबिनेट में, तो उन्होंने कहा कैबिनेट की बात बाहर कौन बतला सकता है कि मैंने वहाँ क्या कहा और क्या नहीं कहा, ये भीतर की बात है। लेकिन उन्होंने बाबा ने जो इसके बाद जो बात कही है जो जिसका वीडियो मौजूद है मेरे पास, वो बड़ी दिलचस्प बात है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने विचार विमर्श में ये पाया, ये महसूस किया कि
आदिवासी अभी इस स्थिति में नहीं है कि उनको पूरे अधिकार दे दिए जाएं। एक ग्राम सभा के अधिकार तो उनके इलाके को बचाने के लिए है ना, चंद्रयान छोड़ने का अधिकार थोड़ी है। ग्राम सभा का इलाका जो है उसी इलाके के जल जंगल जमीन को बचाने के लिए है ना। तो मैं समझना चाह रहा हूँ इसको थोड़ा सा, मेरी जिज्ञासा है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि कैबिनेट ने ये महसूस किया कि आदिवासी अभी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि उनको पूरे अधिकार दे दिए जाएं। आप तो आंदोलन कर रहे हैं जंगलों में लंबे समय से, आपको भी लगता है क्या कि ग्राम सभा के जो अधिकार रहते हैं आदिवासी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि उनको वो अधिकार मिले? देखिए यही समझ जो है कांग्रेस को आज विपक्ष में लेके आई है। और मैं बाल बाल इस चीज जो सारे आदिवासी इलाकों के लोगों ने बता दिया कि हम किस लायक हैं, और हम शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि नॉर्थ और साउथ इस पूरे सरकार की समझ और फोकस जो है वो मध्य छत्तीसगढ़ का रहा है। चाहे वो छत्तीसगढ़ी कल्चर को लेकर हो, जिसमें बहुत बढ़िया बात ना बस्तर सामने अपने आप को जोड़ पाता है ना सरगुजा जोड़ पाता है, दोनों की संस्कृति, धान का भी मेन फोकस इसी इलाके में है। तो दोनों का सांस्कृतिक और अस्मिता दोनों बहुत भिन्न रही। बिल्कुल। और आपने इतना केंद्रीयकरण कर दिया केंद्र इलाके का कि दोनों अछूते रहे। ऊपर से आप देखिए कि आदिवासियों के सवाल जो 2018 के पहले महत्वपूर्ण सवाल थे, बस्तर के अंदर जो साले दमन के सवाल, फलजी मुठभेड़ के सवाल, गिरफ्तारियों के सवाल, आप उस पर कुछ कर नहीं पाए। आपने कुछ नहीं किया। सॉफ्ट हिंदुत्व के नाम पे आपने कानून व्यवस्था का काम नहीं किया। आपने पांच सालों शासन की जिम्मेदारी पूरी नहीं, पांच सालों में 55 आपने नए कैंप स्थापित किए, घनघोर सैनिक आपने सैनिकरण को बढ़ावा दिया। बिल्कुल। यहाँ तक कि आप देखिए कि जो बोधघाट परियोजना 70 के दशक में कांग्रेस ने ही बड़े विरोध के चलते निरस्त कर दी थी, उसके खिलाफ रहे, उनके कांग्रेस से बाहर जाने का एक मुद्दा वो भी रहा। वो इतनी अव्यवहारिक परियोजना है कि आज हाइड्रो प्रोजेक्ट इतनी महंगी है कि वो वाइबल नहीं बची है। और बस्तर प्लेन इलाका है कि वो कैनाल सिस्टम से आप इरीगेशन नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं कि हम डैम बना के लिफ्ट इरीगेशन करेंगे, 40 गांव डुबान में है। जब उसका विरोध किया तो अरविंद नेताम के ऊपर आपने व्यक्तिगत हमले किए। सवाल ये हसदेव को आप कभी समझ ही नहीं पाए कि हसदेव एक बड़ा इम्पैक्ट आदिवासी इलाकों में डाल रहा है। तो एक कहीं ना कहीं एक अपने आपको ये लगता है आलोक की हसदेव का इलाका है तो नॉर्थ में जी, लेकिन साउथ छत्तीसगढ़ जो कि बस्तर है वहाँ के लोग भी हसदेव के मुद्दे से प्रभावित हुए होंगे? छत्तीसगढ़ में हसदेव इकलौता और एक पहला आंदोलन है जिसने नॉर्थ साउथ सेंट्रल की सीमाओं को तोड़ते हुए एक व्यापक समर्थन इकट्ठा किया। ऐसा मुझे याद है कि पिछले साल 2022 में मार्च से लेकर जून के बीच में शायद ही ऐसा कोई ब्लॉक या जिला मुख्यालय हो जहाँ आंदोलन हसदेव के समर्थन में ना हुए। ऐसा तो एक बड़ा एक लोगों का भावनात्मक जुड़ाव। यानी आपको ये लगता है कि 14 की 14 सीटें जो कांग्रेस सरगुजा के इलाके में हारी है इसमें हसदेव का भी हाथ है? नहीं, मुझे लग रहा है कि वो पूरी तरीके से हसदेव नहीं, वो एक बाकी कारणों में कारण हो सकता भी है। कह रहा हूं मैं। उसका भी एक कारण हो सकता है, लेकिन उसके पीछे एक बड़ी कारण कि जो आदिवासी इलाकों में सरकार के प्रति नाराजगी जा रही थी इसको ये नहीं भाप पाए। और ऐसा नहीं था, वो नहीं दिख रही थी, लगातार तमाम लोग इस बात को उठा रहे थे, कह रहे थे, लेकिन शायद कई बार सत्ता में बैठे व्यक्ति आत्ममुग्ध हो जाते हैं, अपने आसपास अपने ही बनाए हुए परसेप्शन के शिकार हो गए बस। तो और ये नतीजे लगभग नॉर्थ और साउथ में तो नजर आ रहे थे। अब मुझको ये बतलाओ आगे क्या है, हाथी वहां से निकल के अब शहर की तरफ और ज्यादा आएंगे, जंगल जितने कम होंगे? नई राजधानी तक आ चुके हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय तक आने बाकी हैं। किसी ने अभी कहा कि मॉल में घूमते दिखेंगे थोड़े दिन में। बिल्कुल नहीं, बहुत ही दुखद और गंभीर स्थिति है। और मुझको ऐसा ध्यान पड़ रहा है कि गांवों में बिजली के तार ऐसे फैलाए जा रहे हैं कि हाथी बिजली से मर रहे हैं, और कई जगह इंसान हाथियों से कुचल के मर रहे हैं। दोनों मौतें बढ़ गई हैं। मतलब आज की डेट में मानव हाथी संघर्ष इतना व्यापक हो चुका है और इतनी हानि हो रही है, जनधन की हानि हो रही है, हाथी भी मर रहे हैं, लोग भी मर रहे हैं। और भारतीय वन्यजीव संस्थान ने तो बहुत साफ तौर पे अपनी इस रिपोर्ट में इस बात को कहा है कि यदि आपने हसदेव जैसे इलाकों में खनन कौल आगे बढ़ाया तो मानव हाथी संघर्ष, उन्होंने शब्द उपयोग किया है, इतना विकराल हो जाएगा कि फिर आप इसे कभी संभाल नहीं पाएंगे।
और इस बात को सरकारों को समझना चाहिए, क्योंकि हसदेव जो है वो सिर्फ एक जंगल नहीं है, एक एक पूरे वन्य प्राणियों का आवाजाही का कॉरिडोर है। एक एक बात बतलाओ आलोक मुझको कि पिछले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो मैदानी इलाके के रहने वाले थे, भिलाई के रहने वाले थे, वो वहाँ तक हो सकता है हाथी ना पहुँचे हों, अगले 10-20 साल और ना पहुँचे वहाँ तक हाथी, जब पूरा छत्तीसगढ़ रौंद देंगे तब शायद रायपुर और भिलाई आएंगे, राजनांदगांव के छुरिया तक पहुँच गए, पहुँच गए हैं। अब मुझको एक चीज़ बतलाओ कि मौजूदा मुख्यमंत्री जो हैं विष्णुदेव साय, ये तो जन्म से आदिवासी व्यक्ति हैं, इनके आदिवासी होने पे जोगी जैसा कोई विवाद भी नहीं है, ये उसी इलाके के भी रहने वाले हैं, ये उसी हिस्से के, उत्तर छत्तीसगढ़ के इलाके के हैं ये, इनसे कभी भी आपकी बात हुई है क्या? इतने वर्षों से ये राजनीति में है, कभी ये... नहीं, हमारी कभी तो मुलाकात नहीं हुई, कभी कोई चर्चा नहीं हुई, संवाद नहीं हुआ। अब आगे कोशिश करेंगे आप? निश्चित तौर पे हम चाहते हैं कि मिलें, क्योंकि ये बहुत ही दुखद है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में आप सत्ता संभालते हैं और आदिवासियों का जिस तरीके से दमनकल के और हसदेव जैसे जंगल को उजाड़ा जा रहा है वो दुखद है, और मुझे लग रहा है कि उनको भी ये बात सोचना चाहिए कि यदि आप आदिवासी, क्योंकि आप देखेंगे कि सरगुजा और बस्तर की 26 में से 22 सीटें आपको आदिवासियों ने दी हैं, और यदि आप आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों और जल जंगल जमीन की रक्षा नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना नाराजगी आपके प्रति भी बनने में बहुत वक्त नहीं लगेगा। लेकिन आज तो उनके सामने थाल सजा के भूपेश बघेल की गवर्नमेंट गई थी। देखिए निश्चित तौर पे उसके जो भी स्थिति है, लेकिन ये भी बात सही है कि भूपेश सरकार ने जो किया है, बीजेपी प्रदेश में नहीं जीती है बल्कि कांग्रेस हारी है, क्योंकि कांग्रेस ने जो जिस तरीके से सरकार चलाई है तो उसके परिणाम तो इस तरीके से आने थे। ठीक कह रहे हैं आप। आलोक से हमारी बातचीत जारी रहेगी क्योंकि हसदेव का मुद्दा जिंदा रहेगा। मुझको लगता है कि मेरी उम्र से अधिक तो चलेगा ही चलेगा हसदेव का मुद्दा। आलोक रहेंगे, मुझसे कम उम्र के हैं ये रहेंगे उसको देखने के लिए, जंगल बचता है नहीं बचता है, बिजली अलग अलग वक्त की बात है। एक वक्त शायद भूपेश बघेल जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए कहा था जिनको हसदेव के जंगल बचाने हैं वे अपने घरों के एसी पंखा लाइट बंद कर दें, ऐसा उनका बयान था। मैं 2-3 दिन पहले उसका वीडियो देख रहा था। आने वाले दिनों में किसको एसी बुरा लगेगा, किसको अच्छा लगेगा, कौन किसको बंद करने के लिए कहेंगे, मुझको नहीं मालूम। मैं इस बीच में एक छोटी सी चीज़ और देख रहा था, उसके बारे में भी आपको बतलाता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव हारने के बाद में छत्तीसगढ़ का अपना प्रभारी बनाया है सचिन पायलट को। सचिन पायलट राजस्थान के हैं। कोयले की जिन खदानों का हसदेव के जंगलों के नीचे दबी हुई खदानें जो मिलने वाली राजस्थान सरकार को है, लेकिन जिनका जिम्मा अदानी के ऊपर रहेगा, और आप जानते हैं कारोबार किस तरह से होता है, सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है। आप इस बात से अंदाज लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग अगर यहाँ पर कुछ विरोध करने के बारे में सोचें भी, जिसकी उम्मीद मुझको कम है, अगर सोचें भी तो उनको रोकने टोकने के लिए, उनको काबू करने के लिए राजस्थान के सचिन पायलट को यहाँ पार्टी ने प्रभारी बनाया है। इन दो चीज़ों का रिश्ता अभी ज़्यादा लोगों ने जोड़ा नहीं है। मेरा दिमाग कुछ ज़्यादा शरारती है इसलिए मैं इस बात को जोड़कर 2-4 दिन पहले ट्विटर पर लिख भी चुका हूँ कि मुझको ये बहुत मासूम और अनायास संयोग नहीं दिख रहा है। मुझको लग रहा है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीच का ये जो कारोबारी तालमेल है इसके लिए ये फैसला लिया गया है, ऐसा मुझको लगता है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, हम आलोक से और भी बातें करेंगे। आने वाले दिनों में अगर ये सिलसिला पेड़ों की कटाई का जारी रहेगा हम इनसे और भी फिलहाल आज की इस बातचीत से एक बात बिल्कुल खुलकर सामने आती है कि आदिवासी कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, गांवों में रह सकते हैं, शहरी कपड़े नहीं पहनते हैं, उनके यहाँ शायद डिश एंटीना टीवी कम होंगे गिनती में, अखबार कम खरीदते होंगे, समझदारी के मामले में वो शहरी लोगों से ज़्यादा समझदार हैं। आपको ध्यान होगा कि हम पिछले 6 महीनों में कम से कम 10-20 ऐसे हमने वीडियो इंटरव्यू किए थे, रिपोर्ट बनाई थी, जिसमें हमने मणिपुर के आदिवासियों से लेकर अरविंद नेताम के इंटरव्यू तक, आलोक से 2-3 बार इंटरव्यू हमने किए थे यहाँ पर,
ऐसे कई बार हमने आदिवासियों के मुद्दों को उठाने की कोशिश की, कई बार। मुझको एक रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी ने फ़ोन करके ये कहा कि सुनील जी, अगर आपके उठाए हुए मुद्दों को ही कांग्रेस की सरकार यहाँ पर गौर कर लेती उनके ऊपर, तो उसकी चुनाव में ये दुर्गति नहीं हुई रहती। मुझको नहीं मालूम कि दुर्गति होती कि नहीं होती, उसको वो जाने। लेकिन जैसा आलोक ने अभी कहा कि ये भाजपा की जीत के बजाय भूपेश बघेल की सरकार की शिकस्त ज़्यादा बड़ी है, जो आदिवासियों के साथ उन्होंने सुलूक किया और आदिवासियों ने एकमुश्त खारिज कर दिया इस पार्टी को, कांग्रेस को। हम देखेंगे आगे, इस बातचीत को जारी रखेंगे। ये हिंदुस्तान का फेफड़ा है हसदेव का जंगल, आप उससे कम मान के मत चलिएगा। जिस तरह सिगरेट पीने वाले लोग जो हैं राख से अपने फेफड़ों को भर लेते हैं, कुछ वैसा ही हम वहाँ से जंगल को काट कर कोयला निकाल कर ये करने जा रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। हम लोग पहले ख़त्म होते हैं, जंगल पहले ख़त्म होता है, क्या होता है देखने की बात है। फिलहाल अगर आपको हमारी बातचीत अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हम सरोकार के कुछ मुद्दे उठाते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, इसके लिंक भी आप अपने दोस्तों को भेज सकते हैं, क्योंकि पूरा देश पूरी दुनिया इस मुद्दे से जुड़ा हुआ है। और हाँ, नीचे टिप्पणी लिखना मत भूलिए, आपको जो भी लगता होगा इस बारे में। हमारे आपके सबके ज़िंदगी को, आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करने वाला मुद्दा है, टिप्पणी ज़रूर लिखिएगा। हम और आप फिर मिलेंगे। आज बस चलते चलते ज़रा सी एक नसीहत ये कि अगर आप दुपहिया चलाते हैं तो हेलमेट लगा कर रखिएगा, उसका बेल्ट लगा कर रखिएगा। चौपहिए पर चलते हैं तो सीट बेल्ट लगा कर रखिएगा। किसी हादसे की नौबत में इन्हीं से जान बचती है। फिर मिलते हैं।